Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine and welcome to my YouTube channel. Students, हमने present indefinite tense जो अपने पिछले lecture में start किया था, simple sentence हमने किए थे. आज हम present indefinite tense के जो negative sentences होते हैं वो करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो identification होती है वो हमें पता होना चाहिए कि इस tense की पहचान क्या होती है. वो डेफिनेटली जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताम वगैरह होते हैं. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ अगर हम जाएं तो हमें जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्म है वो पता होना चाहिए. तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्म है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट और डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब स्टूडेंट्स बात आती है कि हम डज नॉट कहाँ पर लगाएंगे और डू नॉट कहाँ पर लगाएंगे. अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो डज नॉट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो तो डू नॉट लगाएंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये सेंटेंस लिखा हुआ है, माली पौधों को पानी नहीं देता है. तो अब आप इसमें देखें, सबसे पहले ता है, हमें ये पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं से हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. तो इसको हम इस रूल या इस फॉर्मूले के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट किसका रहता है, काम करने वाले को. तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, वो डेफिनेटली माली है. माली एक है, गार्नर. उसके बाद हम डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे. अब आप देखें, जो सब्जेक्ट है गार्नर हमारे पास सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज नॉट आएगा. उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जो काम हो रहा, तो काम क्या हो रहा है, पानी दे रहे हैं. वाटर और ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर काम हो रहा, तो पौधों पर काम हो रहे. वाटर दी प्लांट्स. अब स्टूडेंट्स इस तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को एक और एग्जांपल के जरिए समझना चाहें तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं. अब आप इसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है. डेफिनेटली आपको समझ आ चुकी होगी कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हम है, हम. उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट या डू नॉट का इजाफा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जो काम काम है, तो काम क्या है इसमें, खेलना, प्ले. और लास्ट पे टुगेदर, इस तरह जो टुगेदर है ये ऑब्जेक्ट आ रहेगा. इसी तरह एक और सेंटेंस के जरिए अगर हम इस सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसको समझना चाहें तो हम एक और एग्जांपल करते हैं. वो गुनाह पर नहीं पछताता है. स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो डेफिनेटली ही है. अब ही के साथ डज नॉट या डू नॉट आप समझ आ चुकी होगी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट लगाएंगे. अब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ डज नॉट लगाएंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जो काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, पछता रहा है, पछताने का काम हो रहा है. और ऑब्जेक्ट क्या है, गुनाह पर, ऑन सिन. सो स्टूडेंट्स
इस तरह से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे वो किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल Unique3344 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें।